शनिवार की शाम वाराणसी के दीनापुर के आसपास की बस्तियों के लोगों का जीवन आम दिनों की तरह ही सामान्य था। अचानक लोगों को घुटन जैसा महसूस हुआ। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लोग आपस में इस बात की वजह तलाश रहे थे। असल में दीनापुर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीन गैस के रिसाव के चलते ऐसा सब कुछ हो रहा था। जो ही लोगों को इसकी जानकारी मिली, दहशत का माहौल हो गया। आपको बता दें कि प्लांट में नए बने क्लोरीनेशन टैंक बिल्डिंग में सुबह ही टेस्टिंग हुई थी और शाम होते होते ये रिसाव शुरू हो गया। आनंद फानंद में उच्चाधिकारी एसटीपी दीनापुर प्लांट पहुंचे। प्लांट पर पुलिस और फायर ब्रिगेड भी पहुंची। इसके बावजूद क्लोरीन गैस का रिसाव बंद नहीं हो पा रहा था। जब प्लांट के सेफ्टी ऑपरेटर ऑक्सीजन लगाकर क्लोरीनेशन टैंक बिल्डिंग में पहुंचे, तब रिसाव रोका जा सका। अब प्लांट के जिम्मेदार बोल रहे हैं कि जांच करने के बाद ही रिसाव की वजह का पता चलेगा। आपको बता दें कि ये क्लोरीनेशन टैंक 18 करोड़ की लागत से बना है। क्लोरीन टैंक बिल्डिंग में 900 किलोग्राम के क्लोरीन गैस के 8 सिलेंडर रखे गए हैं। रिसाव सिलेंडर से हुआ या कहीं और से, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हमारी ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।